हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स का मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, हर एक पार्ट्स फेरिंग्स का, उसके बाद मसल्स ऑफ फेरिंग्स, नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, सब कुछ देखेंगे। अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग पार्ट्स में मैं इसको बांट के आपको समझाने की कोशिश करूंगा फेरिंग्स को। उससे पहले गाइस, थैंक यू इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप इस तरह से ही अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो देते रहना ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें। तो हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स की पहले मैं आपको पोजीशनिंग दिखाता हूँ कि फेरिंग्स दरअसल होता कहाँ पे है। तो जब भी हम देखो, ये हमारी एंट्री हम लेते हैं माउथ में, तो देखो ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ये हमारी टंग है, ठीक है। उसके बाद ये टंग से हम इधर ये एंट्री लेते हैं और ये आ गया हमारा फेरिंग्स। तो ये हमारा फेरिंग्स है, और आगे की तरफ देखोगे इस फेरिंग्स के आगे, तो मैंने जब आपको जब आपको मैंने डीप सर्वाइकल फेशिया बताया था, तो ये एपिग्लोटिस था, ये थायराइड कार्टिलेज था, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज था। तो ये वाला पार्ट क्या था? ये हमारा लैरिंग्स था। तो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट है क्या? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिब्री के आगे होता है और लैरिंग्स के पीछे होता है। सिर्फ लैरिंग्स के पीछे नहीं, माउथ के पीछे ये वाला पार्ट भी फेरिंग्स है और नोज के पीछे ये वाला पार्ट भी फेरिंग्स है। तो नोज के पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। माउथ के पीछे ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स वाले पार्ट के पीछे वाले पार्ट ऑफ फेरिंग्स को क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स। तो एक हो गया नेजोफेरिंग्स, एक हो गया ओरोफेरिंग्स, और एक हो गया लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, इनकी बात करेंगे अभी। तो मेन बात यह है कि फेरिंग्स स्टार्ट कहां से हुआ? तो मैंने बोला यहां से स्टार्ट होता है फेरिंग्स। ये क्या चीज है? ये जो बनाया हुआ है मैंने, ये है बेस ऑफ द स्कल। ये जो है, ये है हमारा बेस ऑफ स्कल। तो बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है हमारा फेरिंग्स। ये यहां से स्टार्ट हो गया फेरिंग्स, नीचे जाता है कहां तक जाता है? ये लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड तक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, C7 वर्टिब्री। C7 तक तो ये वाला जाता था हमारा, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर जाती थी नीचे। जो हमारा फेरिंग्स है वो C6 वर्टिब्री तक ही जाता है। तो ऊपर बेस ऑफ द स्कल से लेके नीचे C6 वर्टिब्री तक हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई है, वाइड मस्कुलर ट्यूब है। किस किस चीज के पीछे? मैंने अभी दिखाया नोज के पीछे, माउथ के पीछे और लैरिंग्स के पीछे, इन सब चीजों के पीछे होती है। नोज के पीछे क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। नोज के पीछे बोलेंगे हम नेजोफेरिंग्स, माउथ के पीछे बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ठीक है, और लैरिंग्स के पीछे बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके तीन पार्ट्स बेसिकली होते हैं फेरिंग्स के, उनकी हम बात बाद में करेंगे। अभी चलते हैं फेरिंग्स की बाउंड्रीज। तो सुपीरियरली क्या है फेरिंग्स की? सुपीरियरली क्या रिलेशन है? बेस ऑफ द स्कल। तो सुपीरियर रिलेशन है बेस ऑफ द स्कल, उसके अलावा स्फिनोइड बोन का पोस्टीरियर पार्ट, बहुत सारे इसके रिलेशन है, वो आप देख लेना बुक से। जो बोन्स वगैरह है वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। मेन जो रिलेशन है सुपीरियर में वो है बेस ऑफ द स्कल। इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियरली जो है फेरिंग्स किस चीज में कॉन्टिन्यूस होता है? लैरिंग्स कॉन्टिन्यू होता था ट्रेकिया में, फेरिंग्स कॉन्टिन्यू होता है इसोफेगस में। तो इसोफेगस में कॉन्टिन्यू हो जाता है एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्री। तो C6 वर्टिब्री पे क्या है और क्या चीज होती है C6 वर्टिब्री के लेवल पे? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा फेरिंग्स जो है वो कॉन्टिन्यू हो रहा है इसोफेगस में। कहां पे? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड के लेवल पे बोल सकते हैं, या फिर C6 वर्टिब्री के लेवल पे हम बोल सकते हैं, एक ही बात है। दोनों चीज, या तो C6 के लेवल बोलो या फिर क्रिकोइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर बोलो, एक ही बात है। ये तो हो गया सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। तो ये देखो, जब हमने बात की थी जो डीप सर्वाइकल फेशिया की बात की थी नेक में, तो मैंने आपको बताया था पीछे वर्टिब्री के आगे की तरफ एक फेशिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्री वर्टिब्रल फेशिया बोलते हैं। देखो ये वाला, तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको। तो ये देखो, ये जो आपको दिख रही है बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होती है, ये जो पूरी लेयर नीचे तक जा रही है, ये है हमारी क्या? प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो ये हमारा फेरिंग्स था, ये कैविटी फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स को पीछे वर्टिब्री से अलग कौन कर रहा है? प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो जब मैंने प्री वर्टिब्रल फेशिया बताया था, तब भी मैंने बताया था कि प्री वर्टिब्रल फेशिया जो है फेरिंग्स को इजी मूवमेंट में हेल्प करता है स्वेलोइंग वगैरह के टाइम पे। तो पोस्टीरियरली इट इज, जो फेरिंग्स है वो सेपरेट होता है सर्वाइकल वर्टिब्री से, किसकी मदद से? प्री वर्टिब्रल फेशिया जो है वो उसको सेपरेट करता है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री से। तो ये हो गया हमारा
पोस्टीरियर रिलेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं एंटीरियर रिलेशन पे। तो एंटीरियर रिलेशन तो अभी बता दिया ना मैंने, एंटीरियरली क्या क्या चीज आ रही है, नोज, माउथ और लैरिंग्स। तो एंटीरियर रिलेशन ये कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी से, बीच में ओरल कैविटी से और नीचे लैरिंग्स से। तो अलग अलग चीजें हैं, और देखो माउथ आगे की तरफ खुलता है, नोज की दो ओपनिंग होती हैं, इस वजह से एंटीरियर वॉल हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट होती है, कम्प्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो ये तो हमने सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर बात कर ली। अब आगे चलते साइड में किससे कनेक्टेड है। तो दोनों तरफ क्या होता है, जो हमारा फेरिंग्स है वो कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर से, किसकी मदद से, ऑडिटरी ट्यूब। ऊपर की तरफ ये कम्युनिकेट करता है, नीचे तो नहीं होती ना ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, यूस्टेकियन ट्यूब। तो जो हमारा फेरिंग्स है वो दोनों तरफ मिडल ईयर से कम्युनिकेट करता है ऑडिटरी ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। तो ये दोनों तरफ का हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अटैच किस किस से है, इससे तो कम्युनिकेट कर रहा है ना, अटैच भी होगा। अब साइड में जो जो चीज आती है ना, उन सब चीजों से अटैच होता है। ऊपर की तरफ मैंडिबल होता है, थोड़ा नीचे आओ तो टंग प्रेजेंट होती है, टंग से भी अटैच होता है, और नीचे आओ तो हायड बोन से अटैच है, थोड़ा और नीचे आओगे तो थायरॉयड और क्रिकॉइड कार्टिलेज आते हैं, और थोड़ा देखेंगे तो मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऊपर की तरफ थी, और एक होती है टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, ये भी ऊपर की तरफ होती है। ये सब चीजें आप बोन वाले उस पार्ट में आपको दिखेंगी, ठीक है। मेन जो पार्ट था वो ये था कि इन इन सब चीजों से अटैच होता है और कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर से ऑडिटरी ट्यूब की मदद से। तो अब तक मैंने आपको बाउंड्रीज बताई, सुपीरियर बाउंड्री बेस ऑफ स्कल, इन्फीरियर बाउंड्री ईस्ट ऑफ, इन्फीरियर कोई बाउंड्री नहीं है, इन्फीरियरली ये ईसोफेगस में कंटिन्यू होता है। पोस्टीरियरली किससे अलग होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रीज से अलग होता है, किसकी मदद से, प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो मतलब पोस्टीरियर रिलेशन हो गया प्री वर्टिब्रल फेशिया। एंटीरियरली तो ये इन सब चीजों से कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स। और दोनों तरफ की बात करें तो कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर से ऑडिटरी ट्यूब की मदद से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। अब चलते हैं पार्ट्स। पार्ट्स मैंने आपको अभी बताया था, पीछे तीन पार्ट होते हैं। नाक के पीछे जो नेजल कैविटी के पीछे फेरिंग्स का पार्ट है उसे नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, माउथ के पीछे वाले पार्ट को ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और लैरिंग्स के पीछे वाले पार्ट को लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा लैरिंगोफेरिंग्स के ऊपर, बाद में हम पढ़ेंगे ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स को भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली लैरिंगोफेरिंग्स के बारे में। तो लैरिंगोफेरिंग्स को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लैरिंगोफेरिंग्स है उसका दूसरा नाम होता है एक हाइपोफेरिंग्स। देखो मैं आपको ना, जरूरी नहीं सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बीडीसी के अंदर मिलेगी, क्योंकि मैं दोनों चीज को मिला के बता रहा हूँ। प्री फाइनल ईयर में ईएनटी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपका फेरिंग्स आएगा उसमें भी, और यहाँ पे भी फेरिंग्स। तो दोनों को मैं मिला के चलूंगा, ठीक है। दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे, ज्यादातर मैं वो भी नहीं बताऊंगा आपको ईएनटी वाला, मतलब वहां से मेन मेन चीजें उठा के इसमें आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले लैरिंगोफेरिंग्स को स्टार्ट करें। तो लैरिंगोफेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स देखो, लैरिंगोफेरिंग्स सबसे नीचे है, नाक ऊपर है, माउथ उसके नीचे है, सबसे नीचे लैरिंग्स आता है ना तीनों में से। तो लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट को बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स है ये, सिचुएटेड बिहाइंड द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के पीछे है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कितनी बार बता चुका। एक्सटेंड करता है, कहां से एक्सटेंड करता है, लैरिंग्स कहां से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स स्टार्ट होता है एपिग्लोटिस के अपर बॉर्डर से और खत्म होता है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड। तो लैरिंग्स जब वहां से वहां तक एंड करता है तो लैरिंगोफेरिंग्स उसके पीछे ही तो है जस्ट। तो लैरिंगोफेरिंग्स भी एक्सटेंड करता है कहां से, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड। ये देखो इस डायग्राम में, ये हमारा एपिग्लोटिस है, तो यहां से इस, ये अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस हो गया और ये लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड। ये जो पूरा बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स जो है इसकी एंटीरियर वॉल कौन बनाएगा, अब आप इस डायग्राम में समझते हैं इस चीज को। ये हमारा लैरिंगोफेरिंग्स है, ठीक है, इसकी एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, लैरिंग्स बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लैरिंग्स का कौन सा पार्ट बना रहा है, तो इसकी एंटीरियर वॉल बनाता है एक तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स। इनलेट ऑफ लैरिंग्स कौन बना रहा था, एपिग्लोटिस ही बना रहा था ना। तो एक तो आ जाएगा इनलेट ऑफ लैरिंग्स और दूसरा क्या आ जाएगा, क्रिकोइड कार्टिलेज, और यहां पीछे ऊपर अराइटिनोइड कार्टिलेज होता है। तो क्रिकोइड और अराइटिनोइड का पोस्टीरियर सरफेस भी क्या बनाता है, एंटीरियर बाउंड्री ऑफ फेरिंग्स। तो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ फेरिंग्स कौन बनाएगा, लैरिंग्स का पीछे वाला हिस्सा। तो लैरिंग्स के पीछे वाले हिस्से में क्या क्या चीज आ रही थी, एक तो आता है इनलेट ऑफ लैरिंग्स और एक आता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड एंड अराइटिनोइड। देखो थायरॉयड तो पीछे की तरफ ओपन था ना, थायरॉयड का पीछे कोई सरफेस था ही नहीं, इसी वजह से पोस्टीरियर सरफेस आता है किसका, क्रिकोइड का, और आता है अराइटिनोइड का। तो क्रिकोइड और अराइटिनोइड का पोस्टीरियर सरफेस जो है वो एंटीरियर वॉल बनाता है। बात करें पोस्टीरियर वॉल की, तो पीछे तो वर्टिब्री है इसके, जो लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स के जस्ट पीछे क्या है, वर्टिब्री प्रेजेंट है और प्री वर्टिब्रल फेशिया प्रेजेंट है। तो
कौन कौन सी वर्टिब्री आती हैं? मेनली सपोर्ट करती है सी फोर और सी फाइव वर्टिब्री और पार्टली सी थ्री सी सिक्स। जो ये वर्टिब्री बता रहा हूँ ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स को। कौन कौन सी? मेनली करती हैं सी फोर सी फाइव, पार्टली करती हैं सी थ्री एंड सी सिक्स। ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है? इसकी तीन मसल होती है, आगे बात करेंगे। एक होती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होती है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और एक होती है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये किसकी मसल है? फेरिंग्स की मसल है, हम पढ़ेंगे बाद में। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो पोस्टीरियर वॉल है लैरिंगो फेरिंग्स की, वो ये तीनों बनाती है। सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर तीनों आती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंगो फेरिंग्स। जब वो बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी बस एक बार इसको याद कर लेना। अब मैं बना रहा हूँ एक डायग्राम, उससे हम समझेंगे आगे वाले पार्ट को। तो लैरिंगो फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है? मान लो ये हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स का मान लो क्रिकोइड वाला पार्ट ही मान लो। ठीक है, तो ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। तो लैरिंग्स के पीछे ये क्या है? फेरिंग्स प्रेजेंट है। ये यहां पे साइड तक भी जाता है इस तरह से। तो लैरिंग्स के पीछे ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, साइड में भी आता है और लैरिंग्स के पीछे भी आता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? हमारा लैरिंगो फेरिंग्स। तो लैरिंगो फेरिंग्स के यहाँ पे मैं बताता हूँ तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पायरीफॉर्म साइनस, जो ये दोनों तरफ ये जो पार्ट बने ना, ये कैविटीज बनती हैं, इनको हम बोलते हैं पायरीफॉर्म साइनस बोलते हैं। दोनों तरफ क्या होता है? पायरीफॉर्म साइनस या फिर पायरीफॉर्म फोसा भी बोलते हैं, एक ही बात है, कैविटी है। तो पायरीफॉर्म साइनस या पायरीफॉर्म फोसा कहाँ प्रेजेंट है? लैरिंग्स के साइड में, दोनों तरफ। ठीक है, और पीछे जो ये वाला पार्ट बच गया, ये क्या है? लैरिंग्स का क्रिकोइड पार्ट मैंने बोला था ना, तो लैरिंग्स से क्रिकोइड वाले पार्ट के पीछे जो एरिया बच गया, इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्रिकोइड एरिया। तो पीसीए का मतलब है पोस्ट क्रिकोइड एरिया। तो फेरिंग्स तो खाली स्पेस है ना, उसमें से खाना जाता है, ऊपर वाले पार्ट में हवा भी जाती है। इतना तो पता है ना, हमने 11th-12th में पढ़ा था कि फेरिंग्स में अपर रीजन में सिर्फ हवा होती है, जो नोज के पीछे नेजो फेरिंग्स है उसमें सिर्फ एयर पास होगी, ओरो फेरिंग्स से एयर भी पास होगी और खाना भी पास होगा, लेकिन लैरिंगो फेरिंग्स से सिर्फ और सिर्फ खाना पास होगा। ठीक है, तो जो पोस्ट क्रिकोइड एरिया है ये कैविटी है एक तरह से। तो दोनों तरफ क्या है? पायरीफॉर्म साइनस, पीछे की तरफ है पोस्ट क्रिकोइड एरिया, और पीछे जो ये वॉल जो है, ये वाली जो वॉल है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट फेरिंजियल वॉल। तो लैरिंगो फेरिंग्स के तीन पार्ट है, एक है पायरीफॉर्म साइनस, एक है पोस्ट क्रिकोइड एरिया और एक है पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। तो पायरीफॉर्म साइनस दोनों तरफ होते हैं, पोस्ट क्रिकोइड एरिया उसके पीछे जो एरिया बच गया लैरिंग्स के पीछे, और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल सबसे पीछे जो फेरिंग्स की वॉल है उसे हम बोलेंगे। तो ये तीन पार्ट होते हैं लैरिंगो फेरिंग्स के। अब जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है वो आता है इस पायरीफॉर्म साइनस पे। तो जो पायरीफॉर्म साइनस है वो क्या है? एक डिप्रेशन है। पायरीफॉर्म साइनस इज अ डिप्रेशन प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल। पायरीफॉर्म साइनस क्या है? लेटरल वॉल जो है लैरिंगो फेरिंग्स की, उसके अंदर एक डिप्रेशन है या कैविटी या साइनस कुछ भी बोलो, उसे हम बोलते हैं पायरीफॉर्म साइनस या फिर फोसा, एक ही बात है। ठीक है, तो पायरीफॉर्म साइनस या फोसा इज अ डिप्रेशन इन द लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंगो फेरिंग्स। इनलेट ऑफ लैरिंग्स के दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। इनलेट ऑफ लैरिंग्स एंटीरियर वॉल बना रहा था, दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? हमारा पायरीफॉर्म साइनस। अब जो पायरीफॉर्म साइनस या फिर फोसा जो है, इसको मीडियली कौन बाउंड करता है? इसके लिए हम समझते हैं डायग्राम। ये वाला डायग्राम देखो, ये क्या है? पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर व्यू है डायग्राम। ये हमारा एपिग्लोटिस, पीछे से देख रहे हैं हम, ये हमारा एपिग्लोटिस है, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये थायरॉयड है, ये राइटिनॉइड है, ये हायोइड बोन होगी ऊपर की तरफ, ये थायरॉयड और हायोइड को जोड़ने वाली मेम्ब्रेन थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, उसके अलावा ये राइटिनोइड से एपिग्लोटिस पे फोल्ड जा रहे हैं, देखो ये ग्रीन कलर में, इसे हम क्या बोलेंगे? एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स। और ये दोनों तरफ जो रेड कलर में कैविटी दिख रही है ना, ये है पायरीफॉर्म साइनस। देखो ये चीज हमें कब दिखेगी? पीछे से टंग को रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो हमने टंग को रिमूव किया हुआ इस डायग्राम में, तब हम देख रहे हैं। तो रेड कलर में दोनों तरफ क्या है? पायरीफॉर्म साइनस। तो पायरीफॉर्म साइनस का मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? मीडियल। तो मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? ये ग्रीन कलर में। तो ये ग्रीन कलर में क्या है? एराई एपिग्लोटिक फोल्ड। तो ये ग्रीन कलर में हमारे पास है क्या? एराई एपिग्लोटिक फोल्ड। तो मीडियली जो है पायरीफॉर्म साइनस इज बाउंडेड बाय द एराई एपिग्लोटिक फोल्ड। और लेटरली, लेटरली क्या है? लेटरली एक तो प्रेजेंट है थायरॉयड कार्टिलेज, ये थायरॉयड कार्टिलेज है, और ऊपर ग्रीन कलर में जो थायरॉयड और हायोइड को मेम्ब्रेन जोड़ रही है, ये है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो लेटरली क्या है हमारे पास? थायरॉयड कार्टिलेज और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, और मीडियली क्या है? एराई एपिग्लोटिक फोल्ड। तो ये हमने बाउंड्री देखी किसकी? पायरीफॉर्म फोसा की। तो पायरीफॉर्म फोसा की मीडियल बाउंड्री बनाता है एराई एपिग्लोटिक फोल्ड, और लेटरल बाउंड्री बनाता है थायरॉयड कार्टिलेज एंड द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अच्छा, इतनी बात कर ली, अब एक और बात इसके अंदर आती है।
जब हमने लैरिंग्स पढ़ा था तो वहां पे एक नर्व आई थी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व, या फिर हम इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, जो वेगस की ब्रांच थी। तो जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है वो एंटर कैसे करती है हमारे लैरिंग्स में, वो एंटर करती है पियर्स करते हुए, थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स किया, फिर पायरिफॉर्म फोसा के अंदर से होते, कैविटी है भाई उसके अंदर से होते जाती है, उसके बाद एंटर करती है हमारे लैरिंग्स में। तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व का पाथवे क्या है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी, पायरिफॉर्म फोसा के अंदर से होते हुए कहां जाएगी, हमारे लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स को सप्लाई करने। तो जब ये यहां से जा रही होती है तो ये सप्लाई करती है किसको, हमारे पायरिफॉर्म साइनस को भी सप्लाई कर जाती है और सुप्राग्लोटिस को भी। तो जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है वो सेंसरी सप्लाई देती है, सुप्राग्लोटिस मतलब ग्लोटिस होता है वोकल कॉर्ड, सुप्राग्लोटिस वो वाला पार्ट है जो कि वोकल कॉर्ड से ऊपर है, किसका वो वाला पार्ट, लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स का वो पार्ट जो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं सुप्राग्लोटिस। तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व सेंसरी सप्लाई देती है सुप्राग्लोटिस को और पायरिफॉर्म साइनस को, और ये नर्व पायरिफॉर्म साइनस के अंदर से होते हुए जाती है उसके म्यूकोसा के नीचे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मतलब है कि भाई इससे ना एक क्लिनिकल एनाटॉमी बनती है, वो ये कि जब हम यहां से फॉरेन बॉडीज को रिमूव करेंगे ना, पायरिफॉर्म साइनस या फिर पायरिफॉर्म फोसा एक कैविटी है, तो उसके अंदर फॉरेन बॉडीज घुस सकती हैं, इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं। तो हम जब उसको रिमूव करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डैमेज पहुंचा सकते हैं इंटरनल लैरिंजियल नर्व, क्योंकि इंटरनल लैरिंजियल नर्व वहीं से पास कर रही है उसी फोसा से। तो अगर इस नर्व को डैमेज हो गया तो सेंसरी सप्लाई गई किस किस की, सुप्राग्लोटिस की सेंसरी सप्लाई गई, पायरिफॉर्म साइनस की सेंसरी सप्लाई भी चली जाएगी। तो जिस वजह से क्या होगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा सुप्राग्लोटिक पार्ट ऑफ लैरिंग्स में। तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व क्योंकि सुप्राग्लोटिस को सेंसरी सप्लाई देती है, तो अगर इंटरनल लैरिंजियल नर्व को कोई भी डैमेज पहुंचता है तो एनेस्थीसिया हो जाता है सुप्राग्लोटिक पार्ट ऑफ लैरिंग्स, मतलब वहां पे कोई नर्व सप्लाई नहीं रहेगी, एनेस्थीसिया मतलब कोई वहां पे सेंसेशन ही नहीं रहेगी अब, ठीक है। तो ये हमने बात की हमारे लैरिंगोफैरिंक्स के बारे में। तो मैंने आपको फेरिंग्स का शुरू में बाउंड्रीज बताई, फिर मैंने अलग अलग पार्ट्स बताए थे, और उसमें से आज लैरिंगो फेरिंग्स कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में ओरोफेरिंग्स की बात करेंगे जिसमें टोनसिल्स वगैरह पढ़ेंगे सब कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।